shit man, it start raining. Oh ho. तो हेलो गाइस, कैसे आप सब? होप एकदम अच्छे और बढ़िया और फाइन होंगे। दोनों थोड़ा सा लेट क्योंकि शाम के बज चुके हैं 6:30 और थोड़ी जल्दी में हूँ मैं, कहीं जाना है मेरे को, कुछ लेने जाना है। तो बाकी डिटेल जो है रास्ते में बताऊंगा। तो मिलते हैं। टाइमिंग है 6:30 की और ऑलमोस्ट 6:30 में 2-3 मिनट रह गए हैं और मेरे को अभी द्वारका जाना है और यहाँ से बहुत दूर है द्वारका और ये रेड लाइट भी हो रखी है और द्वारका मेरे को 6:40 तक पहुँचना है। स्पेस नहीं है कि हाई रेजोल्यूशन की वीडियो को एडिट कर पाए, तो अभी तक मैंने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव नहीं ली थी, तो अभी मैं जा रहा हूँ एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लेने के लिए। तो अभी जल्दबाजी में हूँ, थोड़ा सा रैश ड्राइविंग कर रहा हूँ क्योंकि टाइम पे पहुँचना है। टाइम तो खैर है ही नहीं, लेट तो होना ही होना है, फिर भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुँचने की कोशिश है। ट्रैफिक क्यों हो रहा है? ट्रैफिक क्यों होता है? क्योंकि लोग अपने ऑफिस से छुटकारा पाकर अपने निजी ज़िंदगी में प्रवेश करते हैं इस टाइम, इसीलिए इतनी भीड़ होती है। और ब्यूटीफुल बस मार रही है भपका, गरम गरम हवा का। थोड़ी सी जगह दे दो भाई, जल्दी जल्दी चलने दो हमें। ए इसलिए ट्रैफिक था ये मोड की वजह से। ओके देखिए, रेड लाइट है पता नहीं, ऑलमोस्ट 3 मिनट हो गए हैं खड़े खड़े और ये रेड लाइट नहीं ख़त्म हो रही है। हाँ जी भैया, भैया ये रेड लाइट पे खड़ा हुआ हूँ, बहुत लंबी रेड लाइट है, 3 मिनट से तो अभी तक ग्रीन नहीं हो रही है। चलो चलो चलो, प्यास भी लग गई है पानी की ना, मुँह सूख रहा है, कोई पानी पिला दो। फिर रेड लाइट, पता नहीं कितने रेड, ग्रीन हो गई, वाह थैंक यू। इसे बोलते हैं फिटनेस का ध्यान रखना। शी इज फुली ट्राई टू मेंटेन हर सेल्फ। इसे मानना पड़ेगा, द्वारका में ग्रीनरी बहुत अच्छी है। देखो सारी तरफ जितनी भी दिख रही है ग्रीन 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 और अच्छा स्पेस है। और जी भैया, तो फाइनली भैया की शॉप पे पहुंच गया हूं और हालत थोड़ी ख़राब, बहुत जल्दी चलाने के बाद में भी टाइम पे नहीं, पर कोई नहीं, भैया ने वेट कर लिया, थैंक यू भैया को। चलते हैं, यहाँ पे ज़्यादा लंबा काम नहीं है, थोड़ा सा काम था कर लिया है। अब बैक टू पर्सन, यार मेरे नाम के पर्सन के पास तो जाना है, तो चलते हैं वहाँ पे। तो लाइट जला ली जाए, जय हो, लाइट ऑन कर ली है। समय की घड़ी जो है वो बता रही है टाइम हो चुका है 7:40। तो अब जाना है हमें रेडिसन होटल। जब भी मैं इस रोड से निकलता हूँ मेरे को फ्लैशबैक चले जाता है 5-7 साल पुराना, और मेरे पास में यामा बाइक होती थी और इस रोड पे उस टाइम इतना ट्रैफिक नहीं हुआ करता था, तो इस रोड पे मैं उस यामा बाइक का ऐसा हेलीकॉप्टर बना देता था, पीछे से पूरा धुएं का बादल और गोली, प्ले R15 अपाचे सारी बाइकें सब पीछे, और भाई साहब वो आके बोलते थे भाई ये जो बाइक तुमने ले रखी है ना ये बादशाह है। ऐसा पिकअप होता था, रेड लाइट पे खड़ा होता था, रेड लाइट से ढूंढ करते हुए जो स्पीड से भगानी, पर देखो गलत करता था, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, पर देखो ऐसा होता ना उस टाइम, आई वॉज 21-22, तो उस वक्त इतनी अकल तो होती नहीं है, तो बहुत तगड़ा जोश के साथ करते हुए ऐसा ले जाता था मैं उसको। सपोज अगर अभी वो होती तो ऐसा निकलता था ऐसा कर गोली की तरह। जिन्होंने यामा RX चलाई होगी पुरानी, वो लोग जानते होंगे कि यामा में से कितना तगड़ा धुआं निकलता है।
ये रोड पे मेरी नानी का घर आने वाला है, लेफ्ट साइड पे मेरी नानी का घर है, तो ये गली जो है ये नानी घर में सामने जा रही है। सॉरी भाई लोगों, सॉरी मामी जी, मैं आ नहीं पा रहा हूँ, पर अभी कुछ दिनों में जल्दी आ जाऊँगा, सॉरी। और ये वो पार्क है, इतना ब्यूटीफुल बड़ा सा पार्क जहाँ पे हम लोग बहुत खेलते थे। तो गाइज, आज की मीटिंग का जो कारण है, एक तो है हमारे आशीष भाई जिनसे मिल सकते हैं। हाय। तो ऐसा है कि अभी ज़्यादातर लोग पहचान में नहीं आएंगे, क्योंकि सबको पता है रीज़न कि मास्क लगे हुए हैं और अंधेरे में देखो मेरे को इसका सहारा लेना पड़ रहा है, इसकी लाइट जला के काम चला रहा हूँ। और पीछे हमारा बहुत घना, मतलब जो आज मिलने का आज कारण है ना, वो मीटिंग पॉइंट देखो हमारा, ये भाई की अपाचे खड़ी, ये मेरी बुलेट खड़ी, और वक्त चल रहा है हमारा ऑन रोड लैपटॉप पर। तो बहुत तगड़ा वाला काम चल रहा है, और आने वाले समय में समझ में आएगा इस काम का रिजल्ट। अगर इस काम का रिजल्ट अच्छा हो तो शायद से आशीष भाई ने परमिशन दी तो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में। तो आशीष भाई चल दिए, भाई को बाय बाय। हाँ जी, मिलते हैं। और बहुत दिनों बाद मिलना हुआ तो मज़ा आ गया, और अच्छा लगा भाई से बात करके, और जो थोड़ा सा काम था वो भी करा लिया है। बाकी जो रिजल्ट है वो एक बार घर पे जाके देखना पड़ेगा, डन हुआ है कि नहीं। तो रात के 9 बज चुके हैं, मम्मी का भी फ़ोन आ गया कि भैया कहाँ हो, आ जाओ। ओ शिट मैन, इट्स स्टार्ट रेनिंग। ओहो, इसकी की कमी थी, लगाओ बाइक साइड में। और कुछ भी रेनकोट जैकेट कुछ नहीं है, तो सबसे बढ़िया है कि भैया बाइक को बंद करके इस बढ़िया से शेल्टर के नीचे खड़ा हो ले जाए, नहीं तो गीला होना बेकार है। और बारिश देखो बढ़िया। तो कुछ ऐसे स्टाइल से बाइक चलानी पड़ रही है, ब्रेक से पैर ऊपर रख के, क्योंकि जूते पूरे गीले हो जाएंगे और आई डोंट वांट कि ये गीले हो। और रोड पे अभी ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, खाली है रोड, तो चलन दो। जो थकावट थी ना दिल में वो ख़त्म कर दी है, एक नंबर बारिश ने मौसम बना दिया है। और क्या बात है भाई, ओ भैया क्या कर रहे हैं यार भाई, ये गाड़ी वालों का ये चक्कर ख़राब है यार, इनको बैन करो, बारिशों में सारी गाड़ी बैन। मैडनेस लेवल देखो, मैडनेस लेवल। घर वाले लुक में, और ये छोटा लग रहा, अच्छा अजीब लगता है ना। तो जिस काम के लिए गए थे वो काम चेक करना है कि डन हुआ कि नहीं हुआ। ये हमारी हार्ड डिस्क, तो इसको तो चेक कर लेंगे बाद में, लेकिन अभी मुद्दे की बात यह है, जिस काम के लिए हम आशीष भाई से मिलने गए थे वो है काम इसके अंदर। तो गाइस इट्स वेरी बैड, कैसे इंस्टॉल करना है कुछ आइडिया नहीं है, तो इट्स टेक टाइम, बाद में करूंगा मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा। तो वीडियो अच्छी आई हो, आपको व्यूज देखने मजा आया हो, और मेरी थोड़ी सी फालतू की बातें सुनने मजा आया हो, एंटरटेन किया हो, तो प्लीज डू लाइक। और अगर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और यहाँ तक वीडियो देख लिया है, तो मीन्स कुछ ना कुछ तो ठीक लगा वीडियो में, तो यार उसी के लिए सब्सक्राइब कर देना। एक हल्का सा नीचे रेड बटन है, उस पर क्लिक मार के एक घंटा दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी नई वीडियो में डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इट्स ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। कोई ये ब्लॉग देख रहा हो तो द्वारका में घर की नॉलेज होगी कहाँ।